ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर दायर की गई एक जनहित याचिका में कहा गया कि 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में नहीं है और न जाने वो 20 लाख ईवीएम कहाँ हैं और किसके पास हैं। इस मामले को लेकर एक मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी थी जिसके बाद हड़कंप मचा था इन 20 ईवीएम को लेकर, और विपक्षी दल इसे लेकर कई बार हमलावर हुए। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर वो पहले भी शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में मामला और तूल पकड़ता जा रहा था। यह मामला गंभीर हो चुका है क्योंकि दो चरण का मतदान होना अभी बाकी है, लेकिन 20 लाख ईवीएम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में नहीं है। ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, 20 लाख ईवीएम गायब हो गई। कौन ले गया 20 लाख ईवीएम? ईवीएम गायब करने के पीछे सियासी साजिश? आरटीआई में सामने आया 20 लाख ईवीएम का सच। ईवीएम को लेकर उठ रहे विपक्ष के सवालों के बीच बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फ्रंटलाइन नाम की मैगजीन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के हवाले से 20 लाख ईवीएम के गायब होने का दावा किया है। फ्रंटलाइन मैगजीन ने एक जनहित याचिका के हवाले से कहा है कि करीब 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब है। मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने 27 मार्च 2018 को बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में ईवीएम की खरीद, स्टोरेज और डिलीवरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर आरटीआई में जो जानकारी मिली वो बहुत चौंकाने वाली है। ईवीएम निर्माताओं की ओर से 20 लाख मशीनें चुनाव आयोग तक नहीं पहुंची। ईवीएम के निर्माण, रखरखाव और डिलीवरी में 116 करोड़ की आर्थिक गड़बड़ी का भी जिक्र किया गया है। ईवीएम पे इतनी बड़ी इश्यू है और उन्होंने एक पन्ना का पैरा रिप्लाई दे रहे हैं, तो अभी एसएलपी हमारा पेंडिंग है वहाँ पे और हाईकोर्ट में भी अभी 4 वीक का टाइम दिया। बट इलेक्शन कमीशन को सारी चीज़ पता होने के बाद भी उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जहाँ एक एलिगेशन इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है, वो एलिगेशन देखने के बाद उसको हाईन बोर्ड पे लेके मैटर को कोर्ट का न्याय मिलने के बाद ही उनको इस मशीन में वोटिंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 20 लाख ईवीएम गायब होने की खबर से हड़कंप मचा है। अभी दो चरणों का मतदान बाकी है, इसलिए विपक्ष इस बात को बड़ा मुद्दा बना सकता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम कैसे गायब हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि 20 लाख ईवीएम जब चुनाव आयोग के कब्जे में नहीं तो वो किसके पास है, क्योंकि सवाल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं बल्कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का है। इसलिए 20 लाख ईवीएम का सच सामने आना बेहद जरूरी है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।